जो कागज वाली पतंग है वो मेरी पतंग है, और ये देखिए मैं सिंपल रील से उड़ा रहा हूँ इसको, तो मैं अच्छे से इसको गिल्ला होने देता हूँ। ये देखिए मैंने इनको ऊपर रख के ढील दे दिया यहाँ पर बोले। हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल काइट लवर में। तो गाइज आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने कमेंट किया था कि जो रील होती है सिंपल, ये जो मेरे हाथ में रील आप देख सकते हैं, ये जो सिंपल कपड़े सीने वाली रील होती है, क्या इससे हम कोई भी डोर को काट सकते हैं या नहीं, यही एक्सपेरिमेंट आज हम करने जा रहे हैं। देखो ये भाई हमारा प्लास्टिक की डोर से उड़ा रहा है, हालांकि प्लास्टिक की डोर बैन है लेकिन फिर भी ये उड़ा रहे हैं प्लास्टिक की डोर से। तो चलिए हम इस डोर से अपनी जो सिंपल रील है उससे काट के देखेंगे क्या ये इस डोर को काट पाएगी या नहीं काट पाएगी। अपनी पतंग उड़ाते हैं। अब ये मेरे हाथ में दो रील है, एक ये काले रंग की और एक ग्रीन कलर की। जो काले रंग की है उसको मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा सिंपल, मतलब जैसे ये है सूख की रील इसी तरह से मैं इससे पतंग उड़ाऊंगा। और ये जो है ग्रीन कलर की, इसको मैं क्या करूंगा पानी में भेने के बाद इससे फिर पतंग उड़ाऊंगा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पर हम उड़ा रहे हैं अपनी पहले काले रंग की रील के साथ और फिर देखेंगे क्योंकि, और ये देखिए मैंने गिल्ली नहीं की है, बिल्कुल सिंपली ऐसी है। दूसरी जो हरे रंग की उसको मैं गिल्ली करके उड़ाऊंगा। तो चलिए मैं इसे उड़ा लेता हूँ पहले अपने पतंग को। तो गाइज आप देख सकते हैं, देखिए ये जो लफाफे है वो कागज वाली पतंग है, वो वाली मेरी पतंग है। एक बार पतंगों को दिखा, वो जो कागज वाली पतंग है वो मेरी पतंग, और ये देखिए मैं सिंपल रील से उड़ा रहा हूँ इसको, और वो देखिए प्लास्टिक से उड़ा रहे हैं वहां पर ये। चलिए भाई लगाओ पेचल, लगाओ, मैं ढील दूंगा इस बारी में। अब ये पेचल गाएंगे जब, ये देखिए मैंने इनको ऊपर रख के ढील दे दिया यहाँ पर बोले। गाइस देख सकते हैं आप, हमने प्लास्टिक सिंपल डोर से ही प्लास्टिक ही उसको काट दिया है। देखिए किस तरह से पतंग जा रही है। जूम कर भाई, मैं जूम कर जूम कर जूम कर जूम कर, देख गाइस, देखिए डोर को लपेटते हुए यहाँ पर, देखिए कितना आसानी से यहाँ पर हमने काट दिया है ये, कितनी आसानी से। चलिए हम इसको फंसाने की कोशिश करते हैं, हालांकि फंसने की नहीं क्योंकि हमारी वो डोर बहुत ही पतली डोर है। पतंग को दिखाइए, वो देखिए नीचे गिरती है उनकी, पतंगों को दिखाइए। देखिए हमारी रील भी खत्म हो चुकी है गाइस यहाँ पर, ये देखिए रील भी खत्म हो चुकी है, और देखिए किस तरह से कट के जा रही है इनकी पतंग, कितनी आसानी से हमने इसको काट दिया। क्योंकि अगर मैं खींच मारता तो मेरी पतंग जाने के ज़्यादा चांस थे, लेकिन मैंने ढील दी, उन्होंने खींच मारा। ये थोड़ी पतली डोर है, बिल्कुल पतला धागा होता है ये, इसीलिए आसानी से उनको काट दिया, बीच में से निकल गई। तो देखिए इनकी पतंग को मैं दिखाता हूँ साइड में आते हैं एक बार। गाइस देखिए हमारी पतंग कितनी शुद्ध और कितने आसान तरीके से उड़ रही है यहाँ पर। ये देखिए रील हालांकि ख़त्म हो चुकी है, अभी दूसरी प्रैक्टिकल करेंगे। अगर हमारे पास दूसरी पतंग हुई तो दूसरा प्रैक्टिकल वो जो गिल्ली रील से बताया था वो करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सफल रहा बिल्कुल ही पूरी तरह से। बस क्या करना है आपको, सिर्फ ढील देनी है। अगर कोई खींच मारे तो ढील देनी है, हाँ अगर कोई दूसरा ढील दे तब आप खींच मारोगे तो आपकी 100% जाएगी, क्योंकि ये क्या है इतनी पतली है भाई, दूसरे की डोर में से नहीं निकल सकती। तो गाइज चलिए देखते हैं अब दूसरी पतंग के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस। तो गाइज पहले की मैंने दिखाई थी वो ब्लैक रील के साथ किस तरह हमने उसकी पतंग को काट दिया, अब मैंने बताया था जो हरे रंग की रील है उसको मैं गिल्ली करके उड़ाऊंगा। तो चलिए मैं पानी के अंदर इसको डाल देता हूँ और अच्छे से इसको ऊपर दे दो ढक्कन देना, तो मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ और इसको अच्छे से गिल्ली होने देता हूँ। तो गाइस चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, काफी देर होगा हमने इसको गिल्ली करते हुए, तो चलिए निकाल लेते हैं हम इसको। तो गाइस देखिए आप किस तरह से पूरी तरह से गिल्ली हो चुकी है, देख सकते हैं आप। हालांकि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और रखता, वैसे तो एक या दो घंटे के लिए रखना होता है हमको ताकि ये हर बिल्कुल ही पूरी तरह से गिल्ली हो जाए। तो चलिए मैं इसी को बांध लेता हूँ और पतंग को उड़ाना स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले ये सूख जाए, जल्दी से मुझे बांध के इसको उड़ाना होगा। तो चलिए मैं अपनी पतंग को उड़ा लेता हूँ यहाँ पर थोड़ी आगे जाते। तो गाइस देखिए हम उड़ा लेते हैं इसको, और ना रील को अपने हाथ में ही रखना है, कभी ये कहीं गिर जाए। तो देखिए गाइस मेरे ऊपर पतंग उड़ रही है, मैं थोड़ी सी ढील देके इधर खींच मार रहे कोशिश करते हैं इसको, बिल्कुल पीछे ले। देखिए गाइस तो मैं चकने की कोशिश करता हूँ इधर से इनके हाथों से बोले,
यहाँ पर रर हमारी कट चुकी है यहाँ पर गाइस। बीच में इसकी आ गई। तो गाइस देखिए पिक्चर लग चुके हैं। रुक जा रुक जा रुक जा बोले इन्हें ली नहीं है वो वीडियो, क्या फायदा हो यार, रहने दे दोबारा तक नहीं लीना।